ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग के दौरान मेलबर्न स्टार के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बगैर पैड के ही बैटिंग करने ग्राउंड में आ गए। ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग के 13वें एडिशन के दौरान ये अजीब वाकया इस वक्त पेश आया जब एक मौके पर सिडनी थंडर के खिलाफ मेलबर्न स्टार्स ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 172 रन बना लिए थे। एक ही ओवर में मेलबर्न स्टार्स के यके बाद दीगरे 3 विकेटें गिरने के बायस 11वें नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले हारिस रऊफ को बिल्कुल भी तैयार होने का मौका न मिला और वो टाइम आउट होने से बचने के लिए बगैर पैड पहने ग्लव्स और हेलमेट हाथ में लिए विकेट पर पहुंच गए। ताहम हारिस रऊफ खुशकिस्मत थे कि जब वो बैटिंग के लिए आए तो पहले इनिंग्स की आखिरी गेंद थी और इन्हें नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा होना था, जिसके बायस इन्हें किसी गेंद का सामना नहीं करना पड़ा। हारिस रऊफ की बगैर पैड पहने बैटिंग के लिए ग्राउंड में आने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस पर सार्फीन दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं। बिग बैश लीग के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज की जानब से भी ये दिलचस्प वीडियो शेयर की गई है, जबकि मेलबर्न स्टार्स की जानब से हारिस रऊफ की बगैर पैड के ग्राउंड में खड़े होने की तस्वीर शेयर की गई है। आपको बताते चलें, अक्टूबर नवंबर में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 के दौरान श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ को क्रिकेट की तारीख में पहली बार टाइम आउट करार दिया गया था क्योंकि वो मुकर्रा वक्त पर विकेट पर नहीं पहुंच सके थे।